अगर मिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो सकती है तो हिस्ट्री क्यों नहीं, हिस्ट्री भी होगी इंटरेस्टिंग आज की इस वीडियो में, जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इनके बीच में कश्मीर के लिए डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है और एक्चुअली में इसका डिवीजन का रीजन क्या था। और साथ ही साथ एक ऐसा दिन जिस दिन किसी इलाके में अचानक से लाइट चली गई थी बहुत देर के लिए। देखने मजा आएगा। आज के दिन को पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आज के दिन ब्रिटिशर्स ने इंडियन कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो चाहते हैं कि इंडिया को दो पार्ट में बांट दिया जाए, एक होगा पाकिस्तान और एक होगा इंडिया, जहां लोग अपने हिसाब से रूल कर लेंगे। इंडिपेंडेंस इसलिए भी चाहिए थी गवर्नमेंट से क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो हमारे ऊपर रूल किया उसकी वजह से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ रही थी हमारी कंट्री में। इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम के बीच में पहले से ही टेंशन थी, तो इस वजह से दो रीज़न कर दिए, पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदू के लिए इंडिया। लेकिन बाद में इंडिया ने सोचा कि ये सेक्युलर कंट्री बनना ज्यादा पसंद करेगा और इस फैसले के बाद मिलियंस ऑफ पीपल ने इधर से उधर माइग्रेट किया। ये था इसका इम्पैक्ट, लेकिन साथ ही साथ ये सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ जो आज तक के वर्ल्ड की हिस्ट्री में हुआ है। लेकिन इसके पीछे कोई ऐसा वजह नहीं थी कि लड़ाई की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से, ये हुआ था केवल एक डिवीजन की वजह से जिसमें हम ग्रुप्स में बढ़ गए थे। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, जब पाकिस्तान को ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में बांट दिया गया था उसके अलावा कश्मीर की भी तो कोई बाउंड्री सेट की होगी और उसे भी तो किसी देश में ढाला होगा, लेकिन इसके पीछे की हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है। अब वक्त के साथ ईस्टर्न पाकिस्तान पे वेस्टर्न पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा जुल्म किए जिसकी वजह से वो बट के बांग्लादेश और साथ ही साथ पाकिस्तान में अलग अलग बट गया। लेकिन अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में जब ये डिवीज़न हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उस समय वहाँ के महाराज थे हरी सिंह और इन्होंने डिसीजन लिया कि अब इस डिसीजन में शामिल नहीं होंगे। यानी इनका जो मेन एजेंडा था कि ये बनाना चाह रहे थे कश्मीर को एक अलग कंट्री। लेकिन इसके बाद हुए कुछ ऐसे इंसिडेंट जिसमें पाकिस्तान ने अटेम्प्ट किया कश्मीर को अपने अंडर लेने की, जिस वजह से कश्मीर को हम हेल्प मांगने आना पड़ा इंडिया के पास। और उसके बाद इंडिया ने जब उसकी हेल्प की तब से इंडिया का पार्ट कहलाया जाता है कश्मीर। लेकिन वहीं पाकिस्तान भी इसे क्लेम करता है कि ये पाकिस्तान का पार्ट है और ये नेचुरली एक्सटेंड होके है। लेकिन साथ ही साथ चाइना ने भी इस पर अटैक किया जिस वजह से अब कश्मीर को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पहला पार्ट जो कि अभी पाकिस्तान पे है और दूसरा पार्ट चाइना पे और जो मेन पार्ट है वो इंडिया पे है। खैर आज के दिन हिस्ट्री में एक और इवेंट हुआ था जिसका नाम रखा है नॉर्थ ईस्ट ब्लैकआउट ऑफ 2003। इस दिन को भुला पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा कैनेडियन और अमेरिकन के लिए क्योंकि आज के दिन कुछ ऐसा हुआ था उनके साथ जिसके बाद उन्हें पता लगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट। भले इंडिया जैसी जगहों में जहां लाइट जाना बहुत एक आम बात है, वो चीज़ कैनेडा और अमेरिका में नहीं होती है क्योंकि वहां हर चीज़ लिफ्ट से लेकर ट्रेन तक सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो आज के दिन 2003 में वहां अचानक से शाम के 4 बजे लाइट चली गई। लेकिन ये इंसिडेंट इतना खतरनाक था क्योंकि कई लोग ट्रेन के अंदर फंसे हुए थे, कई लोग लिफ्ट के अंदर, तो उनको बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा और वहां के लोगों के लिए लाइट जाना बिल्कुल एक नई चीज़ थी, तो इसीलिए वो लोग डर के मारे इधर से उधर भागने बैठे। सब लोग अपनी सिटी छोड़ के दूसरी जगह जाने बैठे, लेकिन ट्रैफिक लाइट क्योंकि नहीं चल रही थी इस वजह से कई लोगों के एक्सीडेंट भी हुए उस दौरान और रात में लोगों को जहां जगह मिली वहीं सो गए। कई लोग फुटपाथ में सोए, कई लोग रोड के ऊपर सोए और जो लोग जानने की कोशिश कर रहे थे उनके पास सोर्सेस थे रेडियोज एज वेल एज टीवी, लेकिन उस टाइम पे टीवी और रेडियोज दोनों बंद हो गए थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी चीज़ से कोई कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा था क्योंकि ये पूरे सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी गई यानी पावर स्टेशन में, इस वजह से ये हुआ। लेकिन इसका कारण क्या था? इसका कारण था एक सॉफ्टवेयर बग, जिस वजह से क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको उतने जल्दी सप्लाई भी करना पड़ता है क्योंकि किसी बैटरी में हम इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर बग के कारण वो सप्लाई चेन रुक गई जिस वजह से ओवरलोड की वजह से वो जनरेटर टूट गया। और क्योंकि ये जनरेटर समहाउ कनाडा से भी कनेक्ट था इस वजह से वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई, तो इसकी रिकवरी की कोशिश हुई और जिसके अंदर 6 से 8 घंटे में बहुत सारी जगहों में इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई, लेकिन कंप्लीट रिकवरी में 2 दिन लग गए थे। और गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वी आर सो क्लोज टू 150 सब्सक्राइबर्स।